बहुत अच्छा है और पूरे बिहार घूमे हम लोग। आज आखिरी दिन है, आज फिर जा रहे हैं प्रचार में और बहुत ही उत्साह है लोगों में, बहुत ही उत्साह है क्योंकि लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि जिस तरह से 15 सालों में बिहार की तस्वीर बदली है उसको लगातार आगे ही बढ़ाना है। नींव तैयार है, अब इस पर जितना बढ़िया महल खड़ा करना है वो खड़ा होगा और इसके लिए एनडीए पे भरोसा है, पूरे बिहार को भरोसा है और ये भरोसा जो है वो काम के दम पे ही है। जो बदलाव हुआ बिहार में उसके दम पे ही है, तो पूरी उम्मीद है हमको कि एनडीए की सरकार बन रही है। तेजस्वी ने भी प्रचार किया है, राहुल गांधी भी पहुँचे हैं जी, विपक्ष कहाँ है? अगर एनडीए की सरकार बनी है तो विपक्ष जो इतना प्रचार किया है, तेजस्वी लगातार घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रचार में 17 सभा की है तेजस्वी ने जी, उनको क्या मिलेगा? बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हर कोई अपने पार्टी के लिए प्रचार करता है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार की जनता है वो ये तय कर दी है, वो बता दी है कि हमें फिर से वो बिहार नहीं चाहिए। जब असुविधा में जीना पड़ता था, चाहे वो सड़कों को लेकर के, चाहे वो बिजली को लेकर के, किसी भी व्यवस्था को लेकर के लोग अभाव में जीते थे, वो अभाव की ज़िंदगी नहीं चाहिए। अब बदलाव हुआ है तो अब इसको आगे बढ़ाना है और इसमें क्या अच्छा कर सकते वो करना है, फिर से वो पिछला दौर नहीं देखना है। तो विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, जनता ने तय कर लिया है कि एनडीए के साथ ही जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल की तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उनका भ्रम है और वो भ्रम टूट जाएगा, बस 2-3 दिन इंतजार कीजिए। चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी की समीक्षा होगी और शराबबंदी में गड़बड़ी मान जाएगी तो नीतीश कुमार जेल जाएंगे। अब देखिए, सब लोग कुछ न कुछ कहेंगे किसी के बारे में, सब लोग कुछ कुछ टिप्पणी करते रहेंगे। ये तो चुनाव के समय आप देखते ही हैं, एक नेता दूसरे नेता पे बातें करते, पर मुझे लगता है कि एक बार नतीजा आ जाए उसके बाद जो है सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी।